औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौज़िज़ सामईनो किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम मुश्किलात का हल फरमाएं। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौज़ू है ख्वाब में खुशबू लगाना, सूंघना, देखना, इसकी ताबीर। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी शख्स ने ख्वाब में खुशबू, अतर, मुश्क देखा है। इसकी ताबीर में फरमाते हैं, साहबे ख्वाब अक्लमंद, समझदार, दाना होगा और इज्जत करने वाला होगा। लोग इसकी तारीफ करेंगे, अच्छाई बयान करेंगे। और अगर ख्वाब में खुशबू सूंघता है तो लोग इसकी तारीफ बयान करेंगे, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब के अंदर खुशबू बेचता है कोई शख्स, ऐसा शख्स लोगों से मोहब्बत करेगा या उन पर एहसान करेगा। इस शख्स की दिली मुराद पूरी होगी, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में कोई बीमार आदमी खुशबू देखे तो ये बीमार आदमी अनकरीब फौत हो जाएगा। अगर कोई औरत अपने आप को खुशबू लगाते हुए देखे ख्वाब में, ये औरत कोई अच्छा काम करेगी। अगर गैर शादीशुदा है तो अनकरीब इसकी शादी होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स ये देखे कि वो खुशबू सूंघ रहा है, ख्वाब देखने वाले ख्वाब देखने वाला अपनी अच्छी तारीफ सुनेगा, बुलंद मर्तबा पाएगा, लोग इसकी तारीफ करेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई सेहतमंद आदमी ख्वाब में खुशबू सूंघ रहा है या उसके पास खुशबुओं का ढेर लगा हुआ है, इसकी ताबीर यह है, यह शख्स जल्द फौत हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। ख्वाब में कोई शख्स ये देखे किसके पास मुश्क की खुशबू है, साहबे ख्वाब बाअदब है, अदब और एहतराम सीखे हुए है, दाना और समझदार आदमी है, ऐसा शख्स राह हक पर चलेगा, दीनदार और परहेजगार होगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है इसको कहीं से खुशबू मिली है या इसने ख़रीदी है, ख्वाब देखने वाला शख्स दुनियावी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में मुशक को पीसते हुए देखता है, मुशक की खुशबू को ख्वाब में पीसते हुए देखता है, ऐसा शख्स किसी के साथ नेकी और भलाई करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुशबू जमा करता है, ऐसा शख्स माल और दौलत, इज्जत पाएगा और मशहूर और मारूफ हो जाएगा। ख्वाब के अंदर कोई शख्स खुशबू की वजह से मस्त हो गया है, बहक गया है, ये इसकी मौत की तरफ इशारा है, जल्द मरने वाला है। ऐसे शख्स को सदका, खैरात, इस्तगफार करना चाहिए। ख्वाब में अगर कोई शख्स मुश्क देखे, इसकी ताबीर ये है, इसको बीवी मिलेगी, यानी इसकी शादी होगी या इसको अच्छे दोस्त मिलेंगे, माल और दौलत मिलने की निशानी है। ख्वाब में कोई शख्स देखे कि खुशबू की धुनी इसको दे रहे हैं, खुशबू में से धुआं उठ रहा है, वो खुशबू साहबे ख्वाब को आ रही है धुएं से, साहबे ख्वाब की कोई तारीफ़ करेगा अपना मकसद हासिल करने के लिए, इसकी चापलूसी करेगा अपना मतलब निकालने के लिए, इसकी झूठी तारीफ करेगा। अगर कोई शख्स देखे ख्वाब में इसने मुशक काफूर की खुशबू आती है, इसे मुशक काफूर की खुशबू आती है साहबे ख्वाब से, तो दलील है इसका इतकाद और यकीन पाकीज़ा है और साफ है और वो राह हक पर चलने वाला है, राह हक पर चलेगा। ख्वाब के अंदर अगर कोई दौलतमंद आदमी, अमीर आदमी ख्वाब में खुशबू, परफ्यूम, अतर की खुशबू देखता है,
इसकी ताबीर ये है, इस शख्स की दौलत जगह जगह फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, बैंकों के अंदर इसके बैंक बैलेंस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमीर होने की अलामत है। मौजूद सामिनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकअल्लाह।